ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है टेपर बार इन एफ ई ए ऑफ वन डायमेंशनल एलिमेंट। ओके, तो ये एग्जांपल इस समय आपका जो कि एग्जाम में आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आपको टेपर बार दिया है और बीच में क्या दिया है, एक जो फोर्स है P1 करके एक्टोर है, और यहाँ पे दिया एरिया A0, यहाँ पे दिया एरिया AL। ओके, यहाँ पे A0 पे दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, AL पे दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ई दिया है मटेरियल इसका, और रो दिया है और पी दिया है। सब में रो दिया है तो क्या करना है कि आपको उसका वेट भी कंसिडर करना है। अगर सब में रो नहीं दिया है, डेंसिटी नहीं दिया है, तो आपको उसका वेट कंसिडर नहीं करना है। तो ये सम स्टार्ट करने से पहले हमें जानना चाहिए कि टेपर बार के सम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको टेपर बार। नाउ ये एग्जाम्पल है टेपर बार है, यहाँ पे वन एंड फिक्स होता है। ओके, वन एंड फिक्स है, वहाँ पे A0 होगा, पूरा लेंथ जो होगा वो L होगा, और एक स्टार्ट होगा यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 से यहाँ पे एक्स इक्वल टू L। ओके, इक्वेशन टू डिटरमाइन द एरिया एट एनी डिस्टेंस एक्स, एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड, दैट इज वन फिक्स एंड, व्हेन वेरिएशन इज एरिया इज लीनियर, जब भी वेरिएशन क्या है लीनियर हो। ओके, ये क्या है लीनियर वेरिएशन हो रहा है, तभी क्या होगा AX मतलब एरिया एट एनी डिस्टेंस ऑफ एक्स इक्वल टू A0 मतलब ये ऊपर का एरिया प्लस एक्स बाय एल इंटू AL माइनस A0। अगेन बोलता हूँ, एरिया एट एनी डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू A0 ये एरिया डिवाइड प्लस एक्स बाय एल प्लस एक्स जो डिस्टेंस निकालना है वो डिवाइड बाय टोटल लेंथ इंटू ब्रैकेट ऑफ AL माइनस A0, वो होगा आपका फॉर्मूला ऑफ एरिया। नोट, इफ टेपर बार इज वर्टिकल एंड डेंसिटी इज गिवेन, देन कंसिडर द वेट ऑफ ईच एलिमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ग्लोबल नोड ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक जगह पे आपको वर्टिकल बार है, टेपर बार है, तो आपको वेट दिया है, डेंसिटी दी है, तो आपको लेना है वो। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, W इज इक्वल टू मीन एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। नेक्स्ट है मेरा इक्विवेलेंट एलिमेंट स्टिफनेस, क्या आता है उसके लिए, के इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट आएगा, मतलब जनरल एलिमेंट का आएगा एरिया, मीन एरिया ऑफ एलिमेंट ई इंटू ई ऑफ ई डिवाइड बाय एल ऑफ ई। नाउ मीन एरिया ऑफ एलिमेंट, ओके, AM क्या होता है, मीन एरिया ऑफ एलिमेंट, असेंबली मैट्रिक्स बनेगा एज इट इज ऑफ प्रीवियस की तरह, के ऑफ जी यू ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी। ओके, ये रहा ओवरऑल अबाउट द टेपर बार के ऊपर। तो लेट स्टार्ट विद द सम। सम ऐसे दिया है उसको मेरा, से एग्जाम्पल यहाँ पे होगा एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा एक्स इक्वल टू 12, और जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ पे डिस्टेंस है 500। ओके, मतलब और पूरा यहाँ पे कितना है 1000, लेंथ कितना है इसका 1000, और वर्टिकल बार है, और क्या दिया है आपको यहाँ पे डेंसिटी दिया है, तो आपको वेट इसका कंसिडर करना है। तो स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया, हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, से एग्जाम्पल एलिमेंट नंबर 1 से एग्जाम्पल एलिमेंट नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे कितना है बीच में फोर्स आया करके मैं इसको डिवाइड करूँ। अगर बीच में फोर्स नहीं भी आया होता और एंड में फोर्स आया होता, ओके, तो भी आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, बिकॉज सिंगल पार्ट तो डिवाइड होगा नहीं। ओके, सिंगल पार्ट में आपका मैट्रिक्स बनेगा नहीं, करके आपको ये दो पार्ट में ही डिवाइड करना है। नाउ सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ मीन एरिया फॉर ईच एलिमेंट। तो एरिया एट एंड इज डिस्टेंस, मतलब था ना मेरा फॉर्मूला ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस एक्स बाय एल AL माइनस A0। ओके, तो यहाँ पे एक एरिया आएगा, A0 पता है, AL पता है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एरिया एट डिस्टेंस ऑफ 0.5। क्या करना है, एरिया एट डिस्टेंस ऑफ 0.5, तो ये आएगा A0, 50 सेंटीमीटर दिया है, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं इन द मीटर स्क्वायर में, देन एक्स क्या होगा, एक्स बाय एल, ये देखिए एक्स बाय एल क्या होगा आपका, एक्स इक्वल टू कितना है आपका 0.5 मीटर के हिसाब से डिवाइड बाय 100 सॉरी 1000, ये हो जाएगा 1 मीटर, तो कितना हो गया ये 0.5, तो ये 0.5 डिवाइड बाय 1 यहाँ पे है, तो ये होगा AL कितना है मेरा 25 × 10⁻⁴ माइनस 50 × 10⁻⁴, तो आपको आंसर आएगा 3.75 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ओके, नाउ कैलकुलेट करेंगे हम लोग मीन एरिया। तो मीन एरिया कैसे आएगा, तो देखिए ये एलिमेंट अगर मैंने कंसिडर किया, इतना एलिमेंट, तो ये आएगा A0, क्या आएगा A0 प्लस
एक्स ए एट 0.5 क्या होगा इसके लिए? देखिए यहाँ पे एलिमेंट एरिया, मीन एरिया ऑफ एलिमेंट वन के लिए ए एट 0 प्लस ए एट 0.5 डिवाइड बाय 2, ये होगा इसका मीन एरिया। समझे? एवरेज निकाला मैंने इस यहाँ का और यहाँ का एवरेज का, एवरेज निकाला मैंने एरिया का, तो ये आया 4.37 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मीन एरिया ऑफ एलिमेंट टू क्या होगा? ए एरिया एट 0.5 पे प्लस एरिया एट एल पे डिवाइड बाय 2, एरिया एट 0.5 पे प्लस एरिया एट एल पे डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3.25 × 10⁻³। नाउ स्टेप वन, डिस्क्रिटाइजेशन करना है यहाँ पे। ओके, वर्टिकल डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे होगा नोड नंबर वन, यहाँ पे नोड नंबर टू, यहाँ पे नोड नंबर थ्री। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे आएगा रिएक्शन सपोर्ट। देखिए यहाँ पे आएगा रिएक्शन, यस आएगा, इन फोर्स एक्कर डाउनवर्ड वो आएगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे क्या आएगा? वेट आएगा बिकॉज ऑफ द डेंसिटी दिया हुआ है करके, डेंसिटी दिया है करके क्या आएगा वहाँ पे? वेट आएगा। तो वेट क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एज पर माई कंडीशन। ओके, जो मैंने जूम किया है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, यहाँ पे हाफ यहाँ पे आएगा डब्ल्यू वन बाय टू, यहाँ पे हाफ आएगा, तो ये क्या हो गया? पूरा एक एलिमेंट का वेट हो गया। देखिए डब्ल्यू ऑफ वन डिवाइड बाई टू, क्या बोला मैंने यहाँ पे? डब्ल्यू ऑफ वन डिवाइड बाय टू। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? डब्ल्यू ऑफ टू, डब्ल्यू डब्ल्यू ऑफ वन डिवाइड बाय टू। अभी देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे यहाँ पे इसके इसके साथ डील हम लोग। ये मेरा एलिमेंट वन है, एलिमेंट वन का हाफ वेट, पूरा वेट कितना है इसका? डब्ल्यू ऑफ वन इसका पूरा वेट है। ओके, तो ये क्या करूँगा मैं, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा, डब्ल्यू वन ऑफ टू, सॉरी डब्ल्यू ऑफ वन डिवाइड बाय टू प्लस डब्ल्यू ऑफ वन डिवाइड बाय टू, ये वन एलिमेंट का, ये हाफ हाफ में मैंने इसको डिवाइड किया है। ओके, मैं बोलूंगा आधा वेट यहाँ पे आ रहा है, आधा वेट यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली एलिमेंट जो है मेरा, एलिमेंट नंबर टू के लिए, देखिए एलिमेंट नंबर टू के लिए यहाँ पे होगा डब्ल्यू ऑफ टू, ये पूरा वेट है, आधा वेट यहाँ पे आएगा, आधा वेट यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट पे आएगा डब्ल्यू ऑफ वन डिवाइड बाय टू, यहाँ पे आएगा। सिमिलरली नोड नंबर टू पे क्या आएगा? डब्ल्यू ऑफ वन डिवाइड बाय टू एक आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा, एलिमेंट टू का भी लोड आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू ऑफ टू डिवाइड बाय टू। ओके, यहाँ पे आएगा। और क्या है यहाँ पे? फोर्स तो मैंने पहले ले लिया, देन एलिमेंट नंबर जो है यहाँ पे नोड नंबर थ्री पे क्या है? सिंगल जो बचा है डब्ल्यू ऑफ टू डिवाइड बाय टू, वो यहाँ पे आएगा। ओके, ना मुझे पता है वेट क्या होता है। ओके, मीन एरिया लेंथ इंटू डेंसिटी, तो मीन एरिया ऑफ वन एलिमेंट, लेंथ ऑफ वन एलिमेंट, रो ऑफ वन एलिमेंट, ये तो सेम ही है सबका, रो करके सिंगल रो आएगा। ओके, कितना दिया? 80 किलो न्यूटन डिवाइड बाय मीटर क्यूब। ओके, 80 क्या दिया? 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, मीन एरिया निकाला मैंने किसमें? एरिया मैंने मीटर स्क्वायर में निकाला, लेंथ मैंने मीटर में निकाला, तो ये कट हो गया, ओनली क्या बचा? किलो न्यूटन, तो वेट क्या आएगा मेरा? किलो न्यूटन। सिमिलरली वेट ऑफ टू, मीन एरिया ऑफ टू, लेंथ ऑफ टू, रो ऑफ टू। ओके, ये मुझे पता है, लेंथ पता है, डेंसिटी पता है, तो मुझे मिलेगा वेट ऑफ, क्या मिलेगा? वेट ऑफ एलिमेंट टू का। नाउ स्टेप टू, एलिमेंटल स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको, इसमें ही लिखा है, देखिए जैसे ए बाय एल वैसे ही यहाँ पे होगा, ए के बदले मीन एरिया आएगा एलिमेंट का, बिकॉज मुझे टेपर बारे करके यहाँ पे एम यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मीन एरिया इंटू ई डिवाइड बाई एल ई। ओके, तो एलिमेंट वन के लिए मुझे पता है एम क्या है, ई क्या है, एल क्या है, एल कितना है? 500 mm। ओके, नाउ तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं वैल्यू और मुझे के आई जी आ जाएगा 1.75 × 10⁶। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट फॉर एलिमेंट टू, ए पता है, ई पता है, एल टू पता है, पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू
1.25 into 10 raise to 6. ओके नाउ फॉर द टोपोलॉजी, आपको पता है यहाँ पे टोपोलॉजी क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, नोड नंबर क्या आएगा, एलिमेंट वन के लिए 1 2, इसके लिए 2 3, और लोकल नोड तो आपको एज इट इज 1 एंड 2, बिकॉज मैं ये वन डायमेंशन एलिमेंट लेता हूँ इसके लिए। ये जो रेड से लिखा है वो है मेरा लोकल नोड, इट्स कॉल्ड एज अ लोकल नोड, इट्स कॉल्ड एज अ ग्लोबल नोड। ओके नाउ इक्विवेलेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये क्यों लिखा लाइन बाद में, बिकॉज मुझे कॉमन टर्म चाहिए, तो यहाँ पे 10 रेस टू 6 क्या है, कॉमन टर्म है, यहाँ पे भी क्या है, 10 रेस टू 6 कॉमन टर्म है, तो 10 रेस टू 6 क्या होगा, मैट्रिक्स के बाहर आएगा, ये जो होगा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स जो होगा एलिमेंट 1 का K1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे होगा ये एलिमेंट 1 का है करके, यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट 1 के लिए क्या है, टोपोलॉजी के हिसाब से एलिमेंट 1 में है मेरा 1 2, तो यहाँ पे आएगा 1 2, यहाँ पे भी 1 2, एलिमेंट 2 के लिए क्या आएगा 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ओके ऐसा आएगा यहाँ पे। तो ये पुट करोगे, आपको पता है कॉमन 10 6 बाहर रहेगा, बाहर अंदर आएगा 1.75, 1.75, 1.75, 1.75, सिमिलरली एलिमेंट 2 के लिए 1.25, 1.25 आएगा। आप इसको क्या करोगे, ग्लोबल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, कितने बाय कितने का एलिमेंट मैट्रिक्स बनेगा, तो कहाँ पे आने का, एंड एलिमेंट पे आना है, कितना ये 3 है, तो 3 बाय 3 बनेगा, ओके 3 बाय 3, ये 1 2 3, 1 2 3, ओके ये पुट किया पे, ये अपने मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे बताया है, तो आपको ये डायरेक्टली करना होगा। ओके नाउ मूव टू द स्टेप नंबर 6, GME, K ऑफ G, U ऑफ G इक्वल टू F ऑफ G, ओके K ऑफ G लिख दिया आपने, कितना एलिमेंट नोड है, 3, तो 1 2 3, F1 1 2 3, F1 F2 F3। नाउ अभी आपको अप्लाई करना है ग्लोबल बाउंड्री कंडीशन एज इट इज ऑफ द, जो मैं पहले अप्लाई करता वैसे ही, फिक्स एंड है तो देर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, ओके तो क्या होगा, U10 फोर्स होगा, जैसे रिएक्शन फोर्स होगा वहाँ पे, तो ये जो लिखा है ना यहाँ पे मैंने, देखिए ये इज इक्वल टू नोड पे फोर्स F1, ये इज इक्वल टू F2, दिस इज इक्वल टू F3, देखिए ये होगा F1, ये होगा F2, ये होगा F3, लिख दिया, बीच में इंटरमीडिएट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यस होगा, सॉरी यहाँ पे जो है, हाँ यस वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके देर विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट 3, क्या होगा, फ्री एंड है, डिस्प्लेसमेंट होगा, यस होगा, ओके तो यहाँ पे लिख दिया आपने, पुट करोगे उसको, सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 इंटू U2, ओके माइनस 1.25 इंटू U3 इज इक्वल टू F2, सिमिलरली वो माइनस 1.25 इंटू U2 प्लस 1.25 इंटू U3 इज इक्वल टू F3, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, और ये नॉन ओके जीरो एलिमेंट है तो डायरेक्टली आपको करना है, अगर नॉन जीरो होता तो अलग होते स्टेप, ओके फॉर दिस आपको मेरा देखना पड़ेगा वीडियो, गॉस एलिमिनेशन मेथड का वीडियो, ओके जो लोग नए ये चैनल के लिए, तो मुझे मिलेगा U2 का वैल्यू, U3 का वैल्यू मिल गया, जैसे ही मिल गया वैल्यू पुट करो यहाँ पे और फाइंड करो वैल्यू ऑफ F1, तो क्या होगा, 1.75 इंटू U1, तो U1 तो जीरो है तो चला गया, तो माइनस 1.75 इंटू U2 जो भी फाइंड किया है, प्लस 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0, तो क्या होगा 1.75 माइनस इंटू U2, वो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू F1, ओके साइन कितना माइनस, तो क्या होगा, जो मैंने अज्यूम किया डायरेक्शन ऐसा टूवर्ड्स राइट, तो हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके देखिए आएगा यहाँ पे आंसर, अभी ये ऊपर नीचे का है करके, डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स नेगेटिव, तो ये आएगा आंसर माइनस, ओके तो डायरेक्शन कर दो ऊपर उसका। नाउ कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन ईच एलिमेंट, ये तो सिमिलरली सॉम की जैसा मैंने किया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, उस तरह ही करना है, वही फॉर्मूला है, स्ट्रेन E(1) इज इक्वल टू 1/L(1) माइनस 1 1 U1 U2, एलिमेंट 1 के लिए, एलिमेंट 2 के लिए क्या होगा, U2 U3, ओके आपको L पता है, आपको U1 U2 पता है, सॉल्व करो, स्ट्रेन को कुछ यूनिट नहीं है तो ये आ गया, ओके स्ट्रेस फाइंड करना है आपको, क्या होगा, स्ट्रेन इंटू ई, आपको ई पता है, ओके पुट करो, इसका यूनिट नहीं है, ई का जो यूनिट रहेगा वो यूनिट आएगा स्ट्रेस का, आ गया, सिमिलरली ई टू स्ट्रेन फाइंड करना है, ई फॉर्मूला 1/L1, तो यहाँ पे हो जाएगा L2 माइनस 1 1 U2 U3, पुट द करो, सॉल्व करो सम, और यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करो, ई तो सबका सेम ही है तो वही आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करो उसके बाद आपको मिलेगा स्ट्रेस इन द एलिमेंट।
तो ये रहा आपका टेपर बार पे सम, ये सम एग्जाम में आया हुआ है, तो ये वीडियो देखिए। ओके, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट सीखा है फॉर द ग्लोबल मैटर्स के लिए, तो जो लोग नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पहले की वीडियो देख लीजिए। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।